हेलो एवरीवन एंड आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो हम आज बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि मैंने पहले भी ये वीडियो डाला था, बट मैंने जो ये वीडियो डाला था इस पर कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे आप लोगों के, जो आप पूछ रहे थे कि एलोवेरा जेल जो है क्या हम अपने हेयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप अपने हेयर पर एलोवेरा जेल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सेफ है। इवन ये एलोवेरा जेल आपके हेयर्स को काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बालों को स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट नहीं करता है, बस सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। जितने भी फ्रिजी हेयर्स होते हैं, रफ़ होते हैं, ड्राई होते हैं हेयर्स, उसमें एक जान ले आता है, एक मॉइस्चर ले आता है बालों में। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये अगर हम अपने बालों में अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करें, इसका मेथड क्या है अप्लाई करने का। तो इसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है। आप जब भी नहाने जाओ तो नहाने से पहले आप क्या करो, अपने बालों में एलोवेरा जेल जो है अप्लाई कर लो पूरी अच्छी तरीके से, और फिर जाके वॉश कर लो। देन आपके बाल जब ड्राई हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। यकीन ही नहीं होता कि हमारा ही बाल है। पहले मेरे हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई होते थे, बट मैंने जब इसे अप्लाई किया था, ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपको उतना अच्छे से रिजल्ट देखने को मिल जाए। मैंने काफ़ी टाइम तक इसे अप्लाई किया, यूज किया, तब धीरे धीरे जाकर मेरे बाल जो हैं अब ठीक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। स्ट्रेट तो नहीं हुए, कर्ली ही है, बट सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे इस एलोवेरा जेल के बारे में। तो लोग पूछ रहे थे कि मैं इसे कैसे अप्लाई करूं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप एक बाउल में एलोवेरा जेल ले लो। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इसे ले लेना। मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है, डेट्स वाई मैं ज़्यादा एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करूँगी, मैंने इतना ही क्वांटिटी में लिया है। और इसे साथ में क्या करना है, इस एलोवेरा जेल में थोड़ा सा हम वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो एलोवेरा जेल है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसमें हम वाटर डाइल्यूट करेंगे, मिक्स करेंगे, इसे थोड़ा थिन करेंगे, फिर अपने बालों में अप्लाई करेंगे। हम लेंगे वाटर, और आप जितना एलोवेरा जेल लोगे उसका आधा वाटर लेना है, हाफ। जैसे आपने 1 स्पून एलोवेरा जेल लिया है तो उसमें हाफ स्पून आप वाटर लोगे, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो अभी मुझे नहाने जाना है, तो नहाने से 1 घंटे पहले मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। आप चाहो तो रूट्स पे भी लगा सकते हो, इससे आपके डैंड्रफ जो है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। बड़े ही हल्के हाथों से आप ये लग जाता है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा ठीक है। आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है लगाने में, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा वाटर डाइल्यूट कर देती हूँ, इससे काफ़ी इजीली जो है बालों में लग जाता है, दैट्स व्हाई मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में। बेसिकली जहाँ पे आपके हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, काफ़ी ज़्यादा रफ है, जैसे मेरे टिप्स पे होते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं टिप्स पे ही अप्लाई करूँ जेल को। सो अब मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने बालों पे है जो एलोवेरा जेल अप्लाई कर दिया है, जितना मुझे चाहिए, जितना मुझे ज़रूरत है। अब मैं इसे बन बना के रख लूँगी, या फिर ऐसे ही आप खुले भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसे अप्लाई करके कुछ भी कर सकते हो, आपका जो मन, आपका जो भी काम बाकी रह गया वो कर लो, उसके बाद फिर बाद में जाके शैम्पू कर लो। ऐसा नहीं कि मुझे फील नहीं होगा कि बालों में कुछ लगा है, ऐसा लगे मानो जैसे मैंने हेयर ऑयलिंग की है और मेरे बाल जो है हल्के से गीले गीले हैं, बस यही फील होता है और ऐसा कुछ फील नहीं होता है। तो इसे लगा कि आप कोई सा भी काम कर सकते हो, तो उसके बाद इसे हाफ एन आवर के बाद या फिर 1 आवर के बाद जितने देर तक आप रख सकते हो रख के अच्छे से, उसके बाद फिर वॉश कर लेना। चाहे तो आप शैम्पू भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल ड्राई हो जाएंगे। देन आप देखना, आपको डिफरेंस पता चल ही जाएगा कि कुछ हुआ है या नहीं।
सो ये था फर्स्ट मेथड एलोवेरा जेल को अपने बालों में अप्लाई करने का। अभी हम बात करेंगे सेकेंड मेथड के बारे में एलोवेरा जेल को अप्लाई करने का, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है एलोवेरा जेल को अप्लाई करने का, उसके लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एलोवेरा जेल, देन कर्ड यानी दही, और कोकोनट ऑयल। आप वैसे कोई सा भी ऑयल जो आप अपने बालों में अप्लाई करते हो वो ऑयल यूज कर सकते हो। दो चम्मच हम लोग को कर्ड ले लेना है यानी कि दही, और उसमें वन चम्मच जो है एक स्पून उसमें हम एलोवेरा जेल डालेंगे, और वन स्पून हम उसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे या फिर आप जो सा भी ऑयल यूज करते हो ऑयल डालेंगे, और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन हमारा पेस्ट कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। फिर इसे डायरेक्टली हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे, और पूरी अच्छी तरीके से सब बालों में अप्लाई करेंगे, चाहे वो रूट्स हो या टिप्स हो, अच्छी तरीके से पूरे बालों में हम अप्लाई कर लेंगे। और इसे फिर हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, देन हम वॉश कर लेंगे और फिर अच्छी तरीके से अपने बालों को ड्राई कर लेंगे।